ओम महालक्ष्मी नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। पैसे से भरी तिजोरियां तंगहाली से होगा जीना मुश्किल, किसका होगा प्रमोशन और किसको होगा व्यापार में घाटा, क्या आपकी सेहत नहीं देती आपका साथ, तकरार या इजहार प्रेम जीवन के लिए कैसा है आज का दिन, कब से शुरू है आज का राहु काल, और साथ ही हम जानेंगे आज के पंचांग नक्षत्र और लकी कलर के बारे में। तो बिना देरी के जानते हैं आज का राशिफल। उससे पहले हम जान लेते हैं 1 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार का आज का पंचांग। विक्रम संवत चल रहा है 2078, शक संवत 1943 और कली संवत 5123 है। हिंदू पंचांग के अनुसार मास चैत्र है, पक्ष कृष्ण पक्ष और ऋतु वसंत ऋतु है। आज अमावस्या तिथि सुबह 11:53 तक रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज उत्तर भाद्रपद नक्षत्र सुबह 10:40 तक रहेगा, इसका नेवती नक्षत्र लग जाएगा। पर आज का करण रहने वाला है नाग, जो सुबह 11:53 तक रहेगा, इसका किस्तुंगर करण लग जाएगा, जो रात 11:53 तक रहेगा, इसका भव करण लग जाएगा। आज का बनने वाला योग ब्रह्म योग है, जो सुबह 9:37 तक रहेगा, इसका इंद्र योग लग जाएगा। आज चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे, इस समय सूर्य मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। और अगर हम सूर्योदय की बात करें तो आज सूर्योदय का समय सुबह 6:11 है। और अगर हम सूर्यास्त की बात करें तो आज सूर्यास्त का समय शाम 6:39 है। आज चंद्रोदय सुबह 6:20 पर होगा। और चलिए इसके बाद जान लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:00 से 12:50 तक रहेगा। और अब बात कर लेते हैं राहु काल की, जिस समय किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। और आज राहु काल सुबह 10:52 से शुरू होकर दोपहर 12:25 तक रहेगा। आज चैत्र अमावस्या है। यह राशिफल चंद्रमा ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित है। अगर आप कुंडली, विवाह, पंचांग, शुभ मुहूर्त, राशिफल आदि से संबंधित या व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखा जा रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और या फिर आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी या गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर से, और पाएं अपनी समस्याओं का समाधान इंडिया के बेस्ट ज्योतिषाचार्यों से। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज का राशिफल। राशि चक्र की पहली राशि मेष के साथ। मेष राशि। मीन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आपको कुछ छोटी मोटे स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आप सुस्त और आलस महसूस करेंगे। आज आप थोड़ा सावधान रहें, किसी भी स्वास्थ्य समस्या का शीघ्रता से समाधान करें। आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं। लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको स्मार्ट तरीके से काम करने की आवश्यकता है। अब जानते हैं मेष राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपकी पुरानी सोच का आपके रोमांटिक जिंदगी पीछे छोड़ देगी, जिसके कारण नए रिश्ते बन सकते हैं। अपने साथी के समक्ष अपने विचार रखने में ना हिचकें तथा खुलेपन से अपने रिश्ते पर विचार करें। हो सके तो बाहर भी घूमने जाइए। उम्मीद है इससे आपको सोच एवं रिश्ते पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आज का दिन प्यार भरने का है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के करियर के बारे में। आप ऑफिस में समय से ना पहुंचने को अपनी आदत ही बना चुके हैं। आज आप समय पर पहुंचे, वरना बॉस के सामने पेश होना पड़ सकता है। अच्छा होगा आप अपनी सभी सीमाओं का पालन करें, अन्यथा सभी की उंगलियां आपकी तरफ ही होंगी। वहीं वित्त के मामले में मेष राशि वालों, इस समय किए गए आर्थिक पूंजी निवेश अत्यधिक फलदायक हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि इस अवसर का लाभ लेने के आप अपनी व्यवसायिक शोध कार्य ही छोड़ दें। आप अपने पूरे पूंजी निवेश के बारे में ध्यान से सोचें, चाहे वह छोटा ही व्यवसाय क्यों ना हो। मजबूत नींव रखने के लिए उपरोक्त बातों का ध्यान रखना बड़ा ही आवश्यक है। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मेष जातक, आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे, इसलिए आप निसंकोच होकर कार्य कर सकते हैं। आज मानसिक परेशानी भी कम ही रहेगी, तो आप अपने दोस्तों और घर वालों के साथ मजा कर सकते हैं। अब मेष राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार काला रंग आज आपके लिए लकी साबित होगा। दोपहर 3:00 से 4:00 के बीच का समय आपके लिए बड़ा ही शुभ माना जा सकता है। वृषभ राशि। मीन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप कुछ चिंतित हो सकते हैं। परेशानी का समय जल्द ही बीत जाएगा। चिंता न करें, खुद को तनाव तो बिल्कुल भी ना दें। अब अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
और आप अपने काम में कोई गलती नहीं करेंगे, आप गंभीरता से काम करेंगे। अब जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज का दिन उन विषय पर बात करने के लिए उचित है जिन पर आपके साथी ने अपना गुस्सा व्यक्त किया था। अवांछित गलतफहमे को दूर करने की भावना को प्रकट करें जिससे आप दोनों के बीच की दूरी समाप्त होगी। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के करियर के बारे में। आज आपको महसूस होगा आपकी इंडस्ट्री आपकी सोच से भी ज्यादा तेजी से बदल रही है। आपको बदलते समय के साथ चलने के लिए नए तकनीकी ज्ञान को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। वहीं वित्त के मामले में वृषभ राशि वालों इस वक्त पैतृक संपत्ति से संबंधित मामलों को सामने नहीं लाना चाहिए। यह समय पैतृक संपत्ति के मामले में चर्चा के लिए उचित नहीं है क्योंकि परिवारों को विभाजन के कगार पर ले जा सकता है और परिस्थितियां भयावह रूप भी ले सकती हैं। अतः समय का इंतजार करना चाहिए तथा धैर्य से काम लेना चाहिए। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए यह आपके लिए अच्छा दिन है। आप अपनी क्षमताओं को जानकर अपने कार्य पर केंद्रित हो सकेंगे। अच्छे खान पान पर ध्यान दें और खुद को मनोरंजक गतिविधियों में शामिल जरूर करें। आप अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ता देखेंगे जिससे आपका मूड अच्छा रहेगा और आपका दिन आनंदमय ही रहेगा। अब जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार सफेद रंग पहनने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। दोपहर 1 से 2 बजे के बीच का समय आपके लिए शुभ माना जा सकता है। मिथुन राशि। मीन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आप शांत रहेंगे। आज आपको अधिकारियों का समर्थन भी मिल सकता है। आज जिन चीजों के बारे में आप सोच रहे हैं वह भविष्य में सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगे। आपके सहयोगी भी आपकी मदद करेंगे। जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। कार्य घर खरीदने के योग बन रहे हैं। अब जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप अपने प्यार भरी जिंदगी में उदासीनता का अनुभव करेंगे। कुछ है जो आपके रिश्ते में दूरियां बढ़ा रहा है जिसके कारण आप तनाव में भी हैं। आप हिम्मत रखें और अपने साथी के साथ इस बारे में विस्तार से विचार करें और आप पाएंगे कि छोटी मोटी परेशानी स्वयं थी खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के करियर के बारे में। आज आपका कहीं किसी ऐसी दिशा में जाता हुआ प्रतीत होगा जिसके बारे में आपने सोचा भी न था। परेशान ना हो, ये बदलाव अच्छे के लिए ही है। अब आपको अपने पंख फैलाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आप इस समय अपने काम भी बदल सकते हैं, इससे आपके काम को और आपका रुझान और ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं वित्त के मामले में मिथुन राशि पर पैतृक संपत्ति का विभाजन आपके नजदीकी रिश्तेदारों के बीच हो सकता है। पैतृक संपत्ति सब जीत बाद छोटी घटना को भी कठिन समस्याओं में तब्दील कर सकते हैं। यदि आप शक्तिशाली पारिवारिक पक्ष के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो स्थिति भयावह भी हो सकती है और आप पीछे हट जाए कोशिश करें। यदि आप अपनी पैतृक संपत्ति के अनुष्ठान नहीं चाहते तो अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मिथुन जातक, आपका स्वास्थ्य संतोषजनक रहेगा, फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, इसलिए आप नियमित व्यायाम करें। अगर आपको थोड़ा ढीला महसूस करें तो तुरंत समझ जाइए कि आपका स्वास्थ्य गिर रहा है। थोड़ा सतर्क रहें तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक ही रहेगा। अब जानते हैं टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषों के अनुसार दोपहर 2:15 से 3 बजे के बीच महत्वपूर्ण काम पूरे कर सकते हैं और ग्रे रंग की कोई भी चीज पहनना आपके लिए लकी होगा। आपके अधिकारी आपके काम को पसंद कर सकते हैं। आपके सहकर्मी या साथी छात्र आपका सहयोग करेंगे। मीन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आपके जीवन की ओर झुकाव महसूस करेंगे। अगर लोग आपकी सलाह मानते हैं तो उन्हें निराश ना करें। काम और करियर में पदोन्नति हो सकती है, करियर में आगे बढ़ने की सोच सकते हैं। अब जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपके साथी को अपनी रोमांस के अतिरिक्त दोस्ती की जरूरत ज्यादा है। उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए और उसे भरपूर सहयोग भी दें। तनावपूर्ण माहौल को उसे बहरहाल कर उसका हल्का फुल्का मनोरंजन जरूर करें। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के करियर के बारे में। आज काम में आप किसी ऐसी स्थिति में फंस सकते हैं जिससे आपको निराशा ही होगी। आज शायद अपने बॉस से अपनी पदोन्नति की बात करने वाले हो सकता है जिस परिणाम की उम्मीद कर रहे थे वो आपको ना मिल सके। ऐसे में आपको अपने फैसलों को कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए। वहीं वित्त के मामले में कर्क राशि वालों, आज आपको पूंजी निवेश के लिए एक नई योजना मिलेगी। यह ऑनलाइन व्यवसाय के रूप में भी हो सकता है। आज का दिन आपके लिए नए तरीके बनाने के लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन आपको सुनिश्चित करना होगा जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी आपको है।
आज आप गिनी चुनी चुनौतियां ही स्वीकार करें, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि आपकी कुछ नई सोच आपके लिए बड़े आर्थिक लाभ लेकर आएगी। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। अगर आपके बालों की समस्या है तो आपकी वह सुधरती नजर आएगी। आप इसका स्वागत करें और इस बदलाव का इस्तेमाल अच्छा महसूस करने के लिए करें। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। कर्क जातक एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच का समय आपके लिए लकी माना जा सकता है। सफेद रंग का ऑफ शेड पहनना आपके लिए लकी माना जा सकता है। सिंह राशि, मीन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आपके सामने कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। आपके स्पष्ट रूप से सोचने का समय हो सकता है। आप अपनी समस्याओं को स्पष्टता से समझ सकेंगे। आप अपने मुद्दों को हल करने के लिए प्रयास भी कर सकते हैं। आपके आसपास के लोग आपकी सहायता करेंगे, ये समझे कि महत्वपूर्ण रूप से क्या करने की आवश्यकता है। मूड स्विंग भी हो सकते हैं। अब जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज का दिन होने वाले पति या पत्नी के बारे में व्याप शक को दूर करने का दिन है। यदि आपको इसके बारे में शक है तो यह केवल अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि उसके बारे में अपने दोस्तों एवं प्रियजनों से चर्चा करें, बेहतर निर्णय लें। जीवन साथी का चयन करने में अपने दिल की आवाज को जरूर सुने। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के करियर के बारे में। कार्य क्षेत्र में आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि छोटी सी परेशानी बार बार आपको परेशान कर रही है। आज आपका कंप्यूटर भी खराब हो सकता है या बिजली जा सकती है। कुछ भी हो, आपका तो खराब खराब हो ही गया ना। परेशान ना हो, इन परेशानियों का आपका कोई बस नहीं है। इन बात का ध्यान रखें कि आप अपनी सभी फाइलों को पहले से सुरक्षित कर लें। वहीं मित्र के मामले में सिंह राशि वालों, आज के लिए निर्देशित सिद्धांत यही है कि आप अपने पूंजी निवेश के क्षेत्र में परिवर्तन लाइए। आज के इस दिन के लिए आवश्यक है कि आप यह सुनिश्चित कर लें कि अधिक से अधिक कितना धन अलग से बचा कर आप रख सकते हैं। इसलिए आप कई प्रकार के पूंजी निवेश पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अलग अलग व्यवसाय में पूंजी निवेश करने के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। आपके द्वारा क्षेत्र में किया गया प्रयास अंततः लाभकारी सिद्ध होगा। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। सिंह जातक, आज कुल मिलाकर आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। जिन लोगों ने व्यायाम करना बंद कर दिया है या फिर जो व्यायाम करने की सोच रहे हैं, वो लोग अब इंतजार ना करें, क्योंकि अब वक्त आ गया है जब आप पूरे साहस के साथ सेहत मंत्र को पाने में जुट जाएंगे। आज आप मानसिक तनाव से मुक्त रहेंगे और आपकी त्वचा बेहद चमकती रहेगी। आज लोग आपसे आपकी खूबसूरती का राज पूछ बैठेंगे। और अब बात कर लेते हैं टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार सफेद रंग आपके लिए लकी कलर है और दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे के बीच का समय महत्वपूर्ण है। कन्या राशि, आप जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण में बहुत व्यवस्थित महसूस करेंगे। आप जीवन से जो जानते हैं उसे पाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। मीन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप पूरी लगन से काम भी कर सकते हैं। आज आपके सामने कई अवसर आ सकते हैं, इनका सही उपयोग करें। आज जीवन साथी के साथ संबंध काफी अच्छे हो सकते हैं, जिससे आप काफी खुश भी रहेंगे। अब जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपको अपने फुलादी इरादों से अपने साथी के बारे में अवांछित विचारों को निकाल देना चाहिए। आपस में व्याप्त गलतफहमी को मिटाने का भरसक प्रयत्न करें, जिससे आपसी प्रेम एवं समझदारी और ज्यादा बढ़ सके। अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों के करियर के बारे में। आज आप अपने लंबे समय से रुके कार्य की योजना को पूरा कर सकेंगे। इस न केवल आपको मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि करियर में भी वृद्धि होगी। अपने काम को समय पर पूरे करने की कोशिश करें, इससे आपके अधिकारियों पर आपका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आप बेकार के तनाव से भी बच सकेंगे। वहीं वित्त के मामले में कन्या राशि वालों, अपने घर में बढ़ते हुए खर्चे से आप परेशान होने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपकी आय बढ़ने की काफी प्रबल संभावना है। आज आप अपना ध्यान बड़े निवेश पर लगाइए, ज्यादा छोटे मोटे नफा नुकसान पर ध्यान बिल्कुल ना दें। आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी घरेलू आय बढ़ती रहे, इससे आपकी आय बीते वर्षों की अपेक्षा अधिक होती जाएगी और साल दर साल आप आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे। प्रत्येक आर्थिक उछाल से अपने मस्तिष्क में तनाव एवं चिंता न करें, क्योंकि आप अपने जीवन को सहज महसूस नहीं करेंगे तथा आपकी आय की क्षमता में भी बाधक हो सकता है। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। कन्या जातक, आज आपको स्वास्थ्य संबंधी अच्छी खबर मिलेगी। आज आपके मित्र आपको शराब की आदत से छुटकारा दिला सकते हैं, इससे आपके रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी और आपका स्वास्थ्य भी काफी बेहतर रहेगा। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। कन्या जातक, एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार आज आपका लकी कलर है हरा।
सुबह 10 बजे से दोपहर 11 बजे के बीच का समय आपके लिए शुभ हो सकता है। तुला राशि। मीन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकेंगे। किसी भी ऐसे स्थिति से बचने के लिए सतर्कता से काम करें। आपके विचारों में स्पष्टता आ सकती है, इससे आपको और अच्छा काम करने में काफी मदद मिलेगी। आपको चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से करने की जरूरत है। आप अपने आपसी संबंध को बेहतर जरूर कर सकते हैं। अब जानते हैं तुला राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज अपने उस दोस्त से सचेत रहें जो कि आपके साथी के साथ अपना संबंध बनाना चाहते हैं। यह मुद्दा आपके और आपके प्रिय के बीच का है। इसमें आपके दोस्त का आना अवांछनीय है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को अवांछित हस्तक्षेप ना करने दें। उसे साफ साफ बता दें आपका आपसी मामला है और इसे स्वयं निपटा देने में आप सक्षम भी हैं। पर अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के करियर के बारे में। आज आप अपने काम के प्रति उत्सुक रहेंगे पर खुद को तनावयुक्त महसूस करेंगे और आपके विचार कुछ उलझे हुए से रहेंगे। अगर आप ये समझ सके कि आपके पहले क्या करना चाहते हैं, आप आसानी से अपना काम कर सकेंगे। आराम से बैठकर लंबी सांस लें और इससे शारीरिक व मानसिक दोनों तरह से आपको लाभ मिलेगा। वहीं वित्त के मामले में तुला राशि पर वास्तव में आपको निश्चित रूप से पुरानी पैतृक संपत्ति, जमीन जायदाद या आभूषण के रूप में प्राप्त होगी। यह आपके द्वारा कमाया हुआ धन नहीं है, अतः आपके लिए आकर्षक इनाम है। इस आकर्षक तोहफे की सराहना करें क्योंकि आपको आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। तुला जातक, आज आप अच्छा महसूस करेंगे और आपकी ऊर्जा का स्तर भी ऊंचा रहेगा। कुछ स्वास्थ्य विकार के बाद आप अपना स्वास्थ्य फिर से अच्छा महसूस करेंगे। आप अपने अच्छे स्वास्थ्य और ऊर्जा का उपयोग कुछ जरूरी काम, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे खान पान को कायम रखने में कर सकते हैं। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। तुला जातक, एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे के बीच का समय आपके लिए अच्छा माना जा सकता है और लाल रंग में कुछ भी पहनने से आज आपको बचना चाहिए। वृश्चिक राशि। आज आप अच्छा महसूस करेंगे। सभी गतिविधियां सकारात्मक होंगी, इसलिए आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को संतुलित करने का प्रयास करें। आपको अच्छा दृष्टिकोण रखने की जरूरत है। मीन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आपको बेहतर तरीके और संतुलन के साथ काम करने की जरूरत है। अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप चाहेंगे कि अपने चाहने वालों से आप घिरे रहें और आपको अतिरिक्त उत्साह एवं जोश मिल सके, जिसकी आपको जरूरत भी है। आज आप पहचान करने में सक्षम होंगे कि कौन आपके पक्ष में है और कौन आपके विपक्ष में। यदि आप अपने साथी को अपने पक्ष में पाते हैं तो क्यों ना सदा के लिए रिश्ता कायम कर लिया जाए। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के करियर के बारे में। अगर आप खुद को अलग सा महसूस कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में अपने बॉस से बात करनी चाहिए। हो सकता है आपको विदेश भेजने की तैयारियां चल रही हों। शांतिपूर्वक बात करने से आपकी समस्या का हल निकल सकता है। वहीं वित्त के मामले में वृश्चिक राशि वालों, इस समय संपत्ति को लेकर किसी पारिवारिक झगड़े की संभावना हो सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर बहस को ना होने देने की कोशिश करें। दूसरे परिवारों के कब्जे से होने वाले विभाजन से भी आपको बचना चाहिए। इन दिनों दोनों पक्षों में मैत्रीपूर्ण हल नहीं दिख रहा है, इसलिए न्यायपूर्ण हल के लिए बहस को कुछ दिनों के लिए टाल देना चाहिए। वृश्चिक जातक, आप ग्रहों की दशा के कारण आपको जोड़ों में दर्द रहेगा। आप थोड़ा आराम करें और व्यायाम करें ताकि तनाव से आराम मिले। आप जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। अब जान लेते हैं टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच का समय आपके लिए लकी माना जा सकता है, पर आज आपका लकी कलर मैरून है। मीन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप करीबी दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। आपको बहुत सावधानी से काम करने की जरूरत है। सोचिए कि भविष्य में अपने व्यक्तिगत संबंधों को कैसे संभालेंगे। बात करने से परेशानी दूर हो जाएंगी, रिश्तों में बेहतरी आएगी और आज के दिन का आनंद लें। आज आपके प्रियजन आपका साथ जरूर देंगे। अब जान लेते हैं धनुराशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपको सच्चाई से आपको थोड़े का अवसर मिलेगा जो एक साथी में ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। आपकी गलत लोगों में खूबी ढूंढने की आदत है जिन्हें आप चाहते हैं। अपने प्रति वफादार रहें और लंबे समय तक रहने वाले खुशियों के बारे में विचार करें। ऐसे व्यक्ति को चुनें जो सही मायने में आपकी इज्जत करे और आने वाले समय में खूब खुशियां दे। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के करियर के बारे में। आज आप अपने काम से परेशान रहेंगे।
आपको महसूस होगा कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपके नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं है, पर उनसे आपका काम प्रभावित होता है। आप अपने काम के आधार पर परखा जाएगा, लेकिन आप सोचते हैं कि आप अपनी क्षमता के अनुसार उसे पूरा नहीं कर पाए हैं। आज आप इसके बारे में अपने बॉस से बात करने में ना हिचकिचाइए, वो आपके विचारों से सहमत ही होंगे। वहीं वित्त के मामले में धनु राशि पर, इस समय आपको पूंजी निवेश का निर्णय करना चाहिए, अतः आप उसके लिए आश्वस्त होना चाहिए। पूंजी निवेश के जरिए मिले आर्थिक लाभ आपको फायदे की ओर ले जा रहे हैं, जबकि यह आपकी उम्मीद से कम है। यदि आप अपने व्यवसाय को विस्तार देने की सोच रहे हैं तो व्यवसाय को उछाल का अवश्य फायदा उठा लें। धनु जातक, एस्ट्रोयोगी ज्योतिषों के अनुसार पीला रंग आपके लिए लकी साबित होगा। सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच का समय आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। आज आप अपने दिन की शुरुआत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मीन राशि में चंद्रमा का गोचर आपको ऊर्जावान और जोशीला बनाएगा। आप आपस में भी बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अतिरिक्त काम भी करना पड़ सकता है। काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाकर रखें। अब जानते हैं मकर राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज अपने मन की भावनाओं को अपने साथी के समक्ष स्पष्ट रूप से रख दें। यदि आपको डर है प्रतिकार कैसा होगा तो लिखकर अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। खत के माध्यम से अपने प्यार को प्रकट करें। एक दूसरे से बातचीत करके सुनिश्चित करें कि बीच में कोई गलत फहमी पैदा ना हो। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के करियर के बारे में। कार्य क्षेत्र में आज आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको अपना ध्यान अपने काम पर केंद्रित रखना होगा। अपनी जिम्मेदारियों से अपने सभी परेशानियों को आसानी से हल कर लेंगे। वहीं वित्त के मामले में मकर राशि वाले, आज आय के नए स्रोत से धन आने की संभावना है। आज का दिन जिससे आपको लंबी अवधि के लिए किए गए पूंजी निवेश से लाभ होने वाला है। यदि आप किसी खाद्य सामग्री अथवा अनाज की व्यवसाय में, तो आज का दिन लाभकारी है। आप देखेंगे आज आपको अपने किए गए कठिन परिश्रम का फल मिलने ही वाला है। यह लाभ आपके अतिरिक्त कोष के माध्यम से स्वागत योग्य हो सकता है। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मकर जातक, आज आप सीखेंगे खुद को किस प्रकार अच्छी तरह से प्रकट किया जा सकता है, जैसे दूसरे आपको आसानी से समझ सके। आप अपनी भावनाओं पर काबू रखें ताकि आपका कोई स्वास्थ्य विकार ना हो। आपको अपने काम और रिश्तेदारों में सही संचार के लिए सचेत रहने की आवश्यकता है। अब जान लेते हैं टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषों के अनुसार शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच का समय आपके लिए काफी लकी माना जा सकता है, और पर्पल रंग की पोशाक पहनना आपके लिए लकी साबित होगा। आज आप अपने दिन की शुरुआत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मीन राशि में चंद्रमा का गोचर आपको ऊर्जावान और जोशीला बनाएगा। आप ऑफिस में भी बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको अतिरिक्त काम भी करना पड़ सकता है। काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाकर रखें। शांति से रहने का पूरा प्रयास करें। अब जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप अपने साथी के साथ जिंदगी का भरपूर आनंद लेंगे। भावनाओं में बहकर अपने रिश्ते को रोमांस से भरपूर कर लेंगे। सकारात्मक सोच कायम रखते हुए अपने साथी को भरपूर प्यार दें। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के करियर के बारे में। आज आपका बहुत ही चुनौतीपूर्ण बड़ा दिन रहेगा। कुछ नई योजनाओं के जुड़ जाने से आपके काम का बोझ और ज्यादा बढ़ गया है। ध्यान रखें, अगर आप अपना काम समय पर खत्म कर पाए तो आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। वहीं वित्त के मामले में कुंभ राशि वाले, अपने भविष्य के वित्तीय लक्ष्य को तय करने से पहले कई बार सोचें। ये ध्यान रखें कि आपकी ओर से किया गया कोई भी जल्दबाजी का निर्णय आपकी आय को प्रभावित कर सकता है। हो सकता है आपको कई बार परिस्थितिवश आपको तेजी से निर्णय लेने पड़े हों। यह भी ध्यान रखें, जल्दबाजी होने के बावजूद हानिकारक निर्णय से आपको बचना चाहिए। अपने निर्णय और विकल्पों की समीक्षा करें। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। कुंभ जातक, आज आप सभी रुकावटों और विकारों को दूर करते हुए अच्छा महसूस करेंगे। आपकी ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा और कोई भी था खास दर्द नहीं रहेगा। आपको इस अच्छे समय का सदुपयोग करना चाहिए और घर से बाहर निकलकर जीवन का आनंद लेना चाहिए। अब जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषों के अनुसार शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच का समय आपके लिए लकी रहेगा, और पर्पल रंग आपके लिए लकी माना जा सकता है। मीन राशि में चंद्रमा का गोचर आपका आत्मनिरीक्षण करने में मदद करेगा। आपने बहुत मेहनत की है, इस कारण आप थकान महसूस कर सकते हैं।
उन चीजों के बारे में सोचें जो आपको खुशी देती है। आज टहलने जाएं या किताब पढ़ने की पूरी कोशिश करें। अब जानते हैं मीन राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज का दिन आपको अपनी रोमांटिक जिंदगी से महत्वपूर्ण सबक सिखाने का दिन साबित हो सकता है। आप अनुभव करेंगे कि महज ऊपरी आकर्षण के कारण ही दो जाने लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए प्रेम भरे सफर को शुरू करने से पहले ही विचार कर लें कि क्या आप और आपका साथी एक दूसरे के प्रति वफादार हैं। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के करियर के बारे में। आज ऑफिस में आपको लोगों के विरोध का झेलना पड़ सकता है, इसे व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल भी ना लें, यह आपके फायदे के लिए ही है। इसे खुले दिमाग से स्वीकार करें, वे क्या कह रहे हैं इसे समझने की कोशिश करें, चाहे बाद में उस पर बात से आप इत्तेफाक भी ना रखें। अच्छा होगा जो बदलाव करने को कहा गया है उसे आप मान लें। वहीं वित्त के मामले में मीन राशि वाले, यह समय आपके लिए अपने दिमाग को बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से प्रयोग करने का है, ताकि व्यवसाय के नए अवसर तलाश किए जा सके। इस समय आर्थिक सफलता के लिए कुछ गंभीर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। यह बात दिमाग में रखें कि कठिन परिश्रम व्यवसाय की सफलता की कुंजी है। इस समय आप कुछ भाग्यशाली अवसर प्राप्त कर सकते हैं, परंतु कार्य के प्रति आपकी वचनबद्धता ही आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले जाएगी। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मीन जातक, आज आपको छुट्टी की आवश्यकता है। दिन देखें, दोस्तों के साथ फोन पर बात करें या फिर कुछ ऐसा करें जिससे आपका मनोरंजन हो। आप खुद पर ज्यादा दबाव बिल्कुल न डालें। आज आपको अपने दिमाग को आराम देने की आवश्यकता है, ताकि आप कार्य करने की क्षमता और मानसिक क्षमता को फिर से पा सके, जो कि थकावट और तनाव के कारण आप खो चुके थे। अब जान लेते हैं टिप्स ऑन द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार काले रंग के कपड़े पहनना आपके लिए शुभ हो सकता है। सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच का समय आपके लिए अच्छा माना जा सकता है। यह राशिफल चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित है। अगर आप कुंडली, विवाह, पंचांग, शुभ मुहूर्त, राशिफल आदि से संबंधित या व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर से, और पाएं अपनी समस्याओं का समाधान इंडिया के बेस्ट ज्योतिषाचार्य से। एस्ट्रो योगी, इंडियाज नंबर 1।